हरिश्चंद्रगढ़ के जो मेन मेन फोर्ट्स थे और पॉइंट्स थे हमने एक्सप्लोर किए, सीरियसली बहुत ही अमेजिंग था। आप लोग भी आ रहे हो महाराष्ट्र में तो ये लोकेशन जरूर विजिट करना। क्या बोलते, कैसा लगा तेरे को? अमेजिंग था। फर्स्ट टाइम था इसका नाइट आउट, लेकिन सबको अच्छा लगा। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम फिर से एक नाइट ट्रैकिंग पे निकल चुके हैं और इस बार हम जा रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़। और इस बार हमारे साथ में रेशु तो है ही हमारे साथ, और इस बार अंकित। इसको इतना फोर्स किया मैंने कि भाई फर्स्ट टाइम तू चल मेरे साथ में, अगर नहीं अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम से तू मत आना कोई भी ट्रैकिंग पे। तो इसको अभी तो फिलहाल बस में अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इन्जॉयमेंट कर रहे हैं ना तो काफ़ी अच्छा जाएगा। सही आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं कि प्रेशर है भाई, इसको जेन्युइन मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोग कसारा घाट के एंट्रेंस पे, इधर से अभी प्रॉपर घाट चालू होने वाला है। तो इधर पे एक ढाबा है, इधर पे हम लोग खा लेते फूड वगैरह अच्छा खासा, वरना फिर कैसा है ना, डायरेक्ट ट्रैकिंग करने के लिए हमको सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, तो थोड़ा खाना भी ज़रूरी है। उसके बाद अभी हम जाके सोएंगे। और सीरियसली बोलूँ बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कैसा है ना कि हम लोग का कुछ अराउंड है 5 बजे का अराइवल है पहुँचने का, और उधर पर हम लोग सनराइज़ देखने वाले हैं और भी चीज़ें देखेंगे जो कि हम उधर पर पहुँच के दिखाएंगे आपको। और तो लेट्स गो, चलते फिर। फाइनली हरिश्चंद्रगढ़ पहुंच चुके हैं बेस विलेज पे, और ये बेस विलेज का नाम है पाचनी गांव। और सीरियसली बोल रहा हूँ नेक्स्ट लेवल वाली ठंडी, 15-16 डिग्री चल रहा है और बहुत ज़्यादा। ये तो अभी हम एक घर के नीचे हैं, इसके लिए थोड़ी कम ठंडी लग रही है, और हमारे मुंह से सब भी निकल रही है ना जो अलग ही ढंग की निकल रही है, मतलब इतना ठंडी लग रहा है, और हाथ वगैरह सब बहुत ज़्यादा ठंडे हुए। तो इसमें भी एक एक्साइटमेंट है, क्या बोलते हैं अंकित? बहुत। और देख सकते हो मेरे पीछे कितना अंधेरा है। तो और इस बार हम ट्राई करेंगे कि सनराइज़ आपको ऊपर से टॉप पे से हरिश्चंद्र के दिखाए, क्योंकि मेरा भी एक वो ड्रीम है कि यार इस प्लेस पे आया हूँ वो तो है ही, और ऊपर से मैं आपको सनराइज़ दिखाऊँ। तो चलते फिर, 2 घंटे तो मैक्सिमम लगेगा, 2-2.5 घंटे लगेंगे। और अभी हम पोहे एंड चाय पियेंगे और बॉडी को थोड़ा एनर्जी लाएंगे, फिर ट्रैकिंग करना चालू करेंगे, क्योंकि पूरा अंधेरे में ट्रैकिंग करने का। तो गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं, जो कि ये दिख रहा है मेरे पीछे रूट, इधर से हमको चलने का है, जो कि हमको 2.5 घंटे लगने वाला है। और ये माउंटेन की हाइट है 4400 फीट। तो मेरे को बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये माउंटेन पे चढ़ने के लिए। तो लेट्स गो, चलते और सनराइज़ आपको ऊपर से दिखाऊँगा। तो चलिए फिर। गाइस ये देख सकते हो आप कितना अंधेरा है, तो ऐसा भी हमको ट्रैकिंग करने का है, और किधर तक जाने का भी वो मुझे पता नहीं, वो गाइड को पता है, बस उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और सामने अंकित है, तो चलते हैं फिर। अभी थोड़ी ठंडी कम लग रही है क्योंकि बॉडी गर्म हो चुकी है। परसेंट ट्रैकिंग कंप्लीट कर लिया है, सीरियसली बोलूँ हालत एकदम टाइट हो चुकी है। और ये प्रॉपर माउंटेन है मेरे पीछे, देख रहे हो, उसके जस्ट नीचे से जा रहे हैं। और एक चीज़ है कि इधर पे बाजू में ग्रिल दिया हुआ है, तो प्रॉपर पकड़ के हम आ रहे हैं। और अभी गर्मी ठंडी तो एकदम बोलते हैं ना के बराबर हो गया, क्योंकि बॉडी इतनी गर्म हो गई है ना कि क्या ही बताओ। तो फटाफट चलते अभी हम लोग, और मैं जितना हो सके उतना ही नाइट का क्लिप दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं छोटा मोटा क्लिप डाल रहा हूँ। बाकी का जो भी रहेगा मैं आपको ऊपर दूंगा सनराइज़ वगैरह। तो फाइनली इतना मेहनत करने के बाद अभी हम कोकन कड़ा के
प्लेस पे पहुंच गए जो कि हरिश्चंद्रगढ़ का सबसे फेमस पॉइंट है, कोकन कड़ा। इधर पे यार काफ़ी लोग आते हैं माउंटेन को देखने के लिए, क्योंकि दोनों साइड माउंटेन है और बीच में वैली है। सीरियसली बहुत ही अमेजिंग। और ये देख सकते हो पूरा क्लाउड से पूरा ढका हुआ है, शायद सनराइज इधर से ही होगा मेरे को लग रहा है, देखते किधर से होगा, बट मेरे को सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके कुछ सिनेमेटिक आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद अभी हम जाएंगे मंदिर, उसका भी दिखाएंगे क्योंकि हमको पहले इधर आना था फटाफट। तो चलिए फिर आपको दिखाता हूँ मैं। सीरियसली यार एक मेरा ड्रीम था इधर आने का, क्योंकि फुलफिल हो गया। चलिए मिनट से इधर बैठा हूँ। सीरियसली बोलो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इधर से उठने का मन नहीं कर रहा है, पर लेकिन हमको टेंपल के इधर पे भी जाने का, उसके बाद तो हमको नीचे भी जाने का, उसके बाद घर पे भी जाने का, क्या कर सकते हैं यार। लेकिन यार ये सब एक मेमोरी बन के रह जाता है, इसके लिए मैंने सोचा कि यार वीडियो में ही डाल दूँ। तो बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ है कि सनराइज अपोजिट साइड में हुआ, इधर से नहीं होता सनराइज, हम लोग को लगा इधर से होगा, लेकिन ये पूरा क्लाउड से ढका हुआ है, देख सकते हो उधर पे दूर, इधर पे नहीं है बट उधर पे, और अभी भी अच्छा खासा ठंडी लग रहा है। तो चलते फिर अभी टेंपल के इधर। मेरे पीछे ये जो देख रहे हो आप, ये पूरा कैंप भी इधर होता है, जो कि इधर पे 500 से 1000 तक का बजट है जिसके पास, इधर पे कैंपिंग भी कर सकता है जिसको सनराइज़ वगैरह और ये नाइट स्टे करने का, तो सब कर सकते हैं इधर पे, बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोग फटाफट चलते हैं मंदिर की तरफ। इधर पे हम लोग टोटल कितना, 1.5 घंटा बैठे थे ना, 1 घंटा आराम से। कैसा लगा, लगे ना? कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बस ये था, हाँ बस ये था कि इसको नीचे देखने में ना सबकी फट रही थी यार, सीरियसली इतना डर लग रहा था, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सेफली हम लोग देख रहे थे, ऐसा नहीं कि कुछ भी हरकत करो, ऐसा मत करो। अगेन आप लोग आओगे तो एज में बस थोड़ा केयरफुल रहो, ऐसा हाँ। नहीं कि फ्रीली घूमो, क्योंकि वो स्लिपरी भी है और कुछ भी हो सकता है, इसके लिए ना थोड़ा ना केयरफुली रहो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। सही बोला। और आप देख सकते हो इधर पे स्टे वगैरह, ये जो व्यू देख रहे हो, हम लोग नाइट में जब ट्रैकिंग करके कोकन कड़ा के साइड जा रहे थे तब ये पूरा अंधेरा था, इसके लिए नहीं अच्छे से दिख रहा था, अभी देख सकते हो पूरा बहुत ही अच्छा दिख रहा है यार, पूरा प्लेटू और पीछे पूरा माउंटेन ही माउंटेन। सीरियसली यार बहुत ही अमेजिंग, ये बारिश में और ही अच्छा दिखता है। और इधर पर भी जो 7 साल में एक बार फूल फूलते वो भी फूले थे इधर पर सोनकी के, अभी तो पूरे सूख चुके हैं, वरना यार उस टाइम पर तो ये एक जन्नत बोलते ना, जन्नत जैसा होगा। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बारिश में भी इधर आएंगे और ट्राई करेंगे। तो अभी हम चलते हैं नीचे साइड थोड़ा। We'll be right back.
हम कोकनकड़ा एक्सप्लोर करने के बाद खेलेश्वर टेम्पल, क्योंकि हरिश्चंद्रगढ़ का सबसे फेमस टेम्पल है, तो इधर पे भी हम अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं। और ये टेम्पल 1000 साल पुराना टेम्पल है, क्योंकि आज भी मेंटेन किया गया है। फिर भी बस इसके आगे का जो बाउंड्री है वो थोड़ा डैमेज हो गया है, और आज भी वो देख रहे हो टेम्पल का स्ट्रक्चर सीरियसली बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अंदर चलते हैं, शिव टेम्पल है वो शायद, तो अंदर जाके दर्शन करेंगे। उसके बाद में थर्ड है हमारा केदारेश्वर केव्स, जो कि उसके जस्ट नीचे और है, वो भी उधर जाएंगे। उसके बाद में हम घर पे जैसे आप टेंपल से दर्शन करोगे और बाहर आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में पीने का पानी मिलेगा, जो कि बहुत ही क्लीन है, काफ़ी अच्छा पानी है। और इधर पे जो फ्रेम दिख रहा है, इधर पे फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हो, मैंने किया, बहुत ही अच्छा दिखा मेरे को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे केदारेश्वर केव्स, उसके बाद में घर पर। तो फटाफट फाइनल डेस्टिनेशन केदारेश्वर केव्स, जो कि काफ़ी लोग अंदर नहा रहे हैं। मेरे को गाइड ने बोला एक्चुअली अंदर नहाना अलाउड नहीं, क्योंकि अभी कैसा है बहुत सारे लोग कपड़ा वगैरह निकाल के नहा रहे, तो प्लीज़ गाइस ऐसा मत करो, आओ और दूर से देखो और पूजा करो और निकल लो, क्योंकि वो एक धार्मिक प्लेस है। तो चलिए फिर अभी हम थोड़ा नज़दीक जाते हैं और थोड़ी क्लिप्स लेते हैं, और उसके बाद में हम नीचे उतरेंगे। हरिश्चंद्रगढ़ के जो मेन फोर्ट्स थे और पॉइंट्स थे हमने एक्सप्लोर किए, सीरियसली बहुत ही अमेजिंग था। आप लोग भी आ रहे हो महाराष्ट्र में तो ये लोकेशन जरूर विजिट करना। क्या बोलते, कैसा लगा तेरे को? अमेजिंग था, फर्स्ट टाइम था इसका नाइट आउट, लेकिन सबको अच्छा लगा। तो अभी हम नीचे जाते हैं, क्योंकि नाइट में आपको मैंने कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि दिखाया नहीं रास्ते में, वो दिखाऊँगा, और उसके बाद में डायरेक्ट नीचे। तो चलिए हरिश्चंद्रगढ़ से बहुत सारे माउंटेन दिखते हैं, उसमें से एक है कलसुबाई, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा माउंटेन, वो भी दिखता है, और रतनगढ़ दिखते हैं, और भी बहुत सारे फोर्ट दिखते हैं जिसका मेरे को नाम नहीं पता, ऑलमोस्ट पूरे सह्याद्री इधर पे। तो सीरियसली बोलूँ तो बहुत ही अमेजिंग लगा, आई होप ये वीडियो भी आपको दिखने में अच्छा लगा। तो चलते फिर गाइस, ये जब हम रात को आ रहे थे तो हमको ये ब्रिज दिखा था, तो प्रॉपर वीडियो नहीं दिखा पाया आपको मैं,
अभी काफी अच्छा दिख रहा है, ये पूरे लोखंड की बनी हुई। और ये जब ना बारिश होता है ना बहुत ही मस्त दिखता है। तो अभी उस ब्रिज से हम ऊपर से नीचे जा रहे घर की तरफ और बहुत ही अच्छा लगा ये ब्रिज पे। रात को आ रहे थे, इसी रूट से आ रहे थे जो कि एक साइड पूरा माउंटेन है और एक साइड पूरा खाई। और एक चीज़ अच्छा है कि इधर पे प्रॉपर ग्रिल बना हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी सेफ्टी है, वरना इधर से जो गिरेगा ना तो डायरेक्ट खाई में। तो ये थोड़ा अच्छा है और बहुत ही अच्छा लग रहा पूरा। ये मेरे को ट्रैकिंग में ना पूरा हर जगह पर ना छाव मिला, मेरे को कहीं पर भी धूप नहीं मिला, ये मेरे को देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी 20-25 मिनट में हम नीचे पहुँचेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे। तो अब डायरेक्ट मैं नीचे मिलूंगा, बहुत सारे क्लिप्स मैंने आपको दिखा दिए, तो चलिए। अभी हम नीचे भी आ चुके हैं और खाना भी खा लिए। सीरियसली बोलूँ नॉनवेज और वेज दोनों बनना था, तो हम लोग नॉनवेज खाए और बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट टाइम तू खाया ना इधर का? बेसिकली लोकली हम लोग ने आज तक ट्राई नहीं किया। तो लोकली बहुत अच्छा, मतलब घर का खाना एकदम गर्मा गर्म, वही बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा था, वेज और नॉनवेज दोनों। तो और ट्रैकिंग कैसा लगा वो मेरे को तू बता बस। ट्रैकिंग एक्सपीरियंस अच्छा था, डैनियल भाई बहुत प्यार से रखे, समझाए एकदम। अगर नई ट्रैक कंप्लीट हो रहा तो पकड़ के लेके जा रहे हैं, बट बहुत अच्छे से। हाँ, वो बंदे के अंदर एक ये चीज था कि सबको लेके गया, अच्छे से लेके गया और अच्छे से सब लोग आए। और पैर की बात रही दुखने की, तो भाई डेफिनेटली दुखेगी, उसका तो कोई इलाज नहीं है। डैनी भाई अच्छे हैं। हाँ वो तो भाई यही, तो नेक्स्ट ट्रिप पे कोई जाएंगे। और रेशो तुमको कैसा लगा, जल्दी आओ बता दो। मेरे को ये ट्रिप बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया ग्रुप के साथ, और यहाँ का खाना भी बहुत बेस्ट था। वो तो एनी टाइम रहता है हरदम। तो अभी हमारी बस भी निकल रही है, तो फटाफट घर पे जाते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट कौन सा व्लॉग बनाऊंगा गाइस प्लीज कमेंट भी कर देना, तो मैं वो ट्रिप सक्सेसफुली करूँगा।